Wise spending is a part of wise investing, and it's never too late to start. Assalamualaikum everyone, Starling Marketing के प्लेटफॉर्म से मैं हूँ फातिमा एहतिशाम। इन्वेस्टमेंट के बारे में तो हमने रोज़ाना सुना होगा, हम बात भी करते रहते हैं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट एक बहुत अच्छा एक टेंजिबल एसेट है जो आपको लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी देता है, आपको एक अच्छा रिटर्न जनरेट करने का ऑप्शन देता है। लेकिन क्या ऐसी चीज़ें हैं जो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट में छलांग लगाने से पहले बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत एसेंशियल हैं, और आपको उन चीज़ों को, उन स्टेप्स को फॉलो करना चाहिए। आज मैं उन तमाम स्टेप्स के बारे में आपसे डिटेल में बात करूंगी, और स्टेप बाय स्टेप एक एक स्टेप के बारे में मैं आपको ब्रीफली जो है वो डिटेल में बताऊंगी, ताकि आप इन्वेस्टमेंट जब करने का सोचें तो आपके जहन में ये बात हो और आप उन चीज़ों पे गौर व फिक्र करें, उसके बाद कोई एक डिसीजन लें। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट के बारे में अगर बात की जाए, उसके बारे में जो सबसे चीज़ एसेंशियल है वो ये है कि रियल एस्टेट की नॉलेज। Not only real estate, आप जब भी किसी project, किसी भी जगह पर जाते हैं, कोई भी काम start करते हैं, सबसे important चीज़ होता है आपके पास उस चीज़ का knowledge होना, आपको उस चीज़ के बारे में एक understanding होना कि actually वो चीज़ है क्या, उसके drawbacks क्या हैं, उससे हमें profits क्या मिलेंगे। ये सब चीज़ें जब आपको पता होंगी तो आप obviously एक successful जो है उस प्रोजेक्ट की तरफ है, उस जो भी आप काम कर रहे हैं, डजेंट मैटर कि वो रियल एस्टेट की इन्वेस्टमेंट है या कोई भी है। रियल एस्टेट जितना एक हमें लगता है कि एक बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड सा प्रोसेस है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। इसके अंदर बहुत ज़्यादा डिटेलिंग्स होती हैं, बहुत ज़्यादा रिस्क फैक्टर्स होते हैं, लेकिन अगर आप स्मार्ट और एक स्ट्रैटेजी के साथ चलते हैं तो डेफिनेटली आप उस चीज़ से महफूज रह सकते हैं। आपको जो मार्केट ट्रेंड्स चल रहे हैं उसके बारे में आपको जो है इन्फॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है, और आपको इस बात का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है कि क्या जो डिटेल्स हैं रियल एस्टेट के अंदर, आपको वो पता होनी चाहिए कि क्या डिटेल्स चल रही हैं, क्या मार्केट ट्रेंड्स चल रहे हैं। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो रियल एस्टेट का बिज़नेस है वो बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है, एक ग्रोइंग इंडस्ट्री है, तो जब एक इंडस्ट्री ग्रो कर रही होती है तो डेफिनेटली उसकी पेस भी बहुत फास्ट होती है, बहुत तेज़ी से चीज़ें जो हैं उसमें चेंज हो रही होती हैं, बहुत तेज़ी से उसमें डेवलपमेंट आ रही होती हैं, और चीज़ें फ्लक्चुएट हो रही होती हैं क्योंकि एक ग्रोइंग इंडस्ट्री है। तो आपको अगर इन्फॉर्मेशन हासिल करनी होती है, आप रिसर्च करें, आप लोगों से पूछें। उसके अलावा बहुत से ऐसे पॉडकास्ट चल रहे हैं रियल एस्टेट पॉडकास्ट, बहुत से रियल एस्टेट के टीवी शोज़ हैं, उसके थ्रू आपको बताया जाता है, रियल एस्टेट बुक्स हैं, ब्लॉग्स हैं, उनके ज़रिए आप इन्फॉर्मेशन हासिल करें, उसके बारे में आप डिटेल्स लें कि रियल एस्टेट है क्या, इन्वेस्टमेंट है क्या, क्या अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं किस जगह पर करते हैं, क्यों करते हैं, कितने बजट में करते हैं, क्या फ़ायदा होगा। ये सब चीज़ें अगर आपको पता होंगी तो आप सेफली इन्वेस्ट कर सकेंगे। उसके बाद अहम पॉइंट वो होती है आपकी स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी एक प्लान आपके दिमाग में हो कि मैं इन्वेस्ट करने जा रहा हूँ। आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाई यू शुड इन्वेस्ट इन रियल एस्टेट। अगर मैं इन्वेस्टमेंट करने का सोच रही हूँ तो मेरे पास एक प्रॉफिटेबल, एक वर्केबल और एक ऑथेंटिक और प्रैक्टिकल किस्म की एक स्ट्रैटेजी होना बहुत ज़रूरी है। मुझे पता हो कि मेरे ये गोल्स हैं, मैं इसलिए इन्वेस्ट कर रही हूँ, मैं जो इससे इतना रिटर्न चाहिए, ये आउटकम चाहिए, ये मेरा बजट है। हर चीज़ आपके पास एक पूरा एक वर्केबल और एक प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी आपके पास होगी, थोड़ा सा सक्सेसफुल हो सकते हैं। अगर मैं ये बात करूँ कि रियल एस्टेट एक जो है आपको एक पैसिव इनकम और एक कांस्टेंट कैश फ्लो देने का एक बहुत इंपॉर्टेंट जरिया हो सकता है, तो ये बिल्कुल एग्जैजरेशन नहीं है, बिल्कुल गलत बात नहीं है, लेकिन उसके लिए एक अच्छी स्ट्रैटेजी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आपके माइंड में आपको इन्फॉर्मेशन आ गई रियल एस्टेट की, आपके पास एक अच्छी स्ट्रैटेजी है, एक वर्केबल और एक प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी है आपके पास, जिससे आप फ़ायदा उठा सकते हैं, उसके बाद क्या है कि आप रिवॉर्डिंग प्रॉपर्टीज़ को सेलेक्ट करें। आपकी प्रॉपर्टी की सिलेक्शन बहुत ज़रूरी है। जस्ट सपोज़ कि आप एक एरिया में जो है इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हैं, आप रिसर्च करें, आप ये पता करें, लोगों से पूछें कि इस जगह पे कौन सी प्रॉपर्टी की जो है रिटर्न का रेशो अच्छा जा रहा है, क्या टाइमिंग है जो यानी कि पोजीशन मिलने की, या अगर आप इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो क्या किस किस्म का रिटर्न आ रहा है रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ में और कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ में। आया कि एक जगह पे आपको अब घर, कोई अपार्टमेंट, कोई फ्लैट या कोई वो उस जगह पे इन्वेस्ट करना चाहिए, या किसी ऑफिस, किसी शॉप, किसी ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करना चाहिए। तो प्रॉपर्टी की सिलेक्शन बहुत ज़रूरी है, और आप ये मेक श्योर करें कि जो आपका रीजन है, जिस जगह पे आप प्रॉपर्टी लेने जा रहे हैं, उसकी जो डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ हैं, उन्होंने क्या इसको अप्रूव किया। जैसे सपोज अगर इस्लामाबाद में है तो क्या आप देखें CDA ने अप्रूव किया, अगर रावलपिंडी में है तो आप ये मेक श्योर करें कि RDA ने इसको अप्रूव किया है, उसके बाद आप इन्वेस्टमेंट करें। और जब आप इतना हार्ड एंड मनी अपनी लगा रहे हैं, किसी जगह पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आप ये मेक श्योर करें कि थोड़ा सा टाइम निकालें अपने बिजी स्केड्यूल में से, एक टाइम निकाल के उस जगह को विज़िट करें, टाइम निकाल के उस जगह के बारे में रिसर्च करें, उस जगह के बारे में पता करें, लोगों से पूछें, रिसर्च करें, ब्लॉग्स देखें, डिफरेंट यूट्यूब पे वीडियोज़ आ रही हैं आप वो देखें, आपको तब जाके बारीकियों का अंदाज़ा होगा।
उसके बाद आखिरी और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये कि वर्क ऑन योर रियल एस्टेट फाइनेंसेस। सुना होगा कि द हेल्दियर द फाइनेंस द हेल्दियर द रिटर्न, जब तक अच्छा फाइनेंस होगा उतना अच्छा रिटर्न मिलेगा। होता है, बिल्कुल होता है, बहुत ज़्यादा केसेस में होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगर आपके पास जो फाइनेंस है बहुत हेल्दियर है और एक बहुत अच्छी फेयर अमाउंट ऑफ मनी है तभी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। नहीं, बहुत से लोग हैं जो जिनके पास सेविंग्स होती हैं वो इन्वेस्ट करते हैं किसी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में। बहुत से लोग हैं जो लोन लेते हैं और लोन लेने के बाद उस रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में जो है इन्वेस्ट करते हैं। वेरी करता है, आप एनालिसिस करें आपका क्या बजट है, किस जगह पे आपको लेना चाहिए, क्या वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कहलाएगी या वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होगी या वो मीडियम टर्म इन्वेस्टमेंट होगी। लेकिन अपने फाइनेंसिस के हवाले से जो सूझा प्रॉपर्टी आपको सूट कर रही होती है उस प्रोजेक्ट के बारे में सोचें, उसमें इन्वेस्ट करें। सुनी सुनाई बातों पे जो लोग जिस जगह पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो लोग कर रहे हैं, वहाँ पे छलांग मारने की ज़रूरत नहीं होती है। स्मार्टली चलें, सोचें, चीज़ों को समझें, नॉलेज लें चीज़ों की, एक अच्छा टाइम स्पेंड करें चीज़ों को अंडरस्टैंड करने में। और अगर आपके पास ज़्यादा बजट नहीं है, हेल्दियर फाइनेंस नहीं है, डजंट मैटर, ऐसे बहुत से प्रोजेक्ट हैं जिसमें इजी इंस्टॉलमेंट प्लान का जो है एक ऑप्शन मौजूद है, एक बहुत अफोर्डेबल प्राइसेस अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं। ऐसे बहुत से प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें आप इन्वेस्ट करके एक अच्छा लाइफस्टाइल भी अडॉप्ट कर सकते हैं और एक अच्छा रिटर्न भी हासिल कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये चीज़ें काफ़ी हद तक क्लैरिटी हो गई होगी कि रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने से पहले किन चीज़ें को जो है जहन में रखना चाहिए, कौन सी ऐसी चीज़ें जो बहुत एसेंशियल होती है, जिन पे काम करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं किसी भी जगह पे, किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आपको कंसल्टेशन की सर्विसेज चाहिए, अगर आपके पास हेल्दियर फाइनेंस नहीं है, अगर आप जो है ईजीली लाइक ईजी इंस्टॉलमेंट प्लान के ज़रिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो हमारे पास ऐसे बहुत से प्रोजेक्ट हैं जिनमें आप इजीली इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, आपको सिर्फ रियल एस्टेट की नॉलेज चाहिए, आपको कंसल्टेशन चाहिए, आपको कोई मशवरा चाहिए, तब भी आप हमारे दिए गए नंबर्स पे हमसे रابطہ कर सकते हैं। आप चाहें तो स्टारलाइन मार्केटिंग के ऑफिस भी विजिट कर सकते हैं, हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स को फॉलो करें, उससे आपको काफ़ी हद तक चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाएंगी। बहुत सी ऐसी वीडियोज़ हैं जो आपके दिमाग में सवाल हैं उनको क्लियर कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होगी, आप इन्वेस्टमेंट करें या ना करें, लेकिन अगर आपको इससे अगर कुछ भी आप सीख लेते हैं तो इट्स मोर देन इनफ फॉर अस। बाकी आप अगर किसी भी प्रोजेक्ट की डिटेल चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो आप हमसे रابطہ करें। इंशाल्लाह फिर किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ दोबारा हाजिर होंगी आप लोगों के सामने। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। Starlin Marketing, the name of leading real estate marketing in Pakistan.